पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंदिर में तोड़फोड़ पर भारत के गुस्से के बाद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब कर घटना पर कड़ा एतराज जताया है, जिसके बाद पहले पाकिस्तानी उच्चायोग ने भारत सरकार को उपद्रवियों पर एक्शन लेने का भरोसा दिया और जब पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा होने लगी तो खुद इमरान खान सामने आए। इमरान खान ने भी विश्वास दिलाया कि न सिर्फ आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी बल्कि पाकिस्तानी सरकार दोबारा मंदिर बनवाएगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई है। पंजाब के आईजी और सचिव को भी समन इस मामले में जारी किया गया है। We have seen disturbing reports on social media of a violent mob attack on a Ganesh temple in Rahim Yar Khan in Punjab province of Pakistan. The mob attacked the temple, desecrated the holy idols and set fire to the premises. In addition to attacking the temple, a mob also attacked surrounding houses belonging to the Hindu community. Pakistani Chargé d'Affaires in the High Commission here in Delhi was summoned today afternoon and a firm protest was lodged expressing our grave concerns at this reprehensible incident and the continued attacks on the freedom of religion of the minority community and their places of religious worship. And calling upon Pakistan to ensure the safety, security, and well-being of its minority communities. तो भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है, साथ ही मंदिर का फिर से निर्माण भी कराया जाएगा। पाकिस्तान में सिद्धि विनायक मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है।